नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक डिजिटल पत्रकार और उसके साथियों के साथ थाने में बेहद शर्मनाक दुर्व्यवहार और नंगा करके मारपीट करने को लेकर धनबाद कांग्रेस ने घोर निंदा करते हुए उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। धनबाद के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के लोगों ने एक बैठक कर पत्रकार पर हुई अत्याचार की घोर निंदा की है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस के थाने में पत्रकार और उसके साथियों को न सिर्फ अधनग्न कर मजबूर किया बल्कि उनकी जमकर पिटाई भी की। सोशल मीडिया पर सीधी पुलिस की इस करतूत पर तीखी नाराजगी सामने आई है। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। इन 70 सालों में कांग्रेस ने कभी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कभी बेइज्जत नहीं किया, कभी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। कुल मिलाकर पुलिस के शर्मनाक व्यवहार पर सोशल मीडिया में आक्रोश और नाराजगी दिखाई दे रही है और इस पुलिस के शर्मनाक व्यवहार के पीछे भाजपा विधायक की करतूत है। आज पत्रकार पर हुई अत्याचार पर भाजपा के लोग मौनी बाबा बने बैठे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों का मान सम्मान लौटाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे। उसको तूल दे दिया गया कि पुलिस तक पहुंचा दिया गया, पीटा गया, घसीटा गया, नंगा किया गया, उसके बावजूद भी भाजपा के लोग एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया, अफसोस प्रकट नहीं किया, ये नहीं बोले कि जो इस तरह की कार्रवाई किया है भविष्य में नहीं होगा और उनको और उनके परिवार के साथ जो मैंने छवि धूमिल हुई है उसको फिर से हम स्थापित करने में मदद।